वेलकम बैक फ्रेंड्स। 2015 में सी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए गणित के सवालों के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में जो गणितीय सवाल के कुछ प्रश्न थे उसको हल करके बताया है। अब थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल देखते हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। अब मैंने 31 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, अब देखते हैं 32 नंबर का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है? नहीं, ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर की बात पूछी जा रही है। तो ठीक है, सम से सम घटे तो एक एक तो बचेगा ही ना, एक विषम संख्या है तो ये मुश्किल है, ये तो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या, ये हो सकता है क्योंकि दो ये होगा ही, क्योंकि दो विषम संख्याओं का योगफल एक सम हुआ और एक सम जो सम संख्या है और एक और सम संख्या का योगफल, तो दो सम संख्याओं का योगफल तो सम संख्या ही होगा, तो ये बी कन्फर्म इसका आंसर सही है। और तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या नहीं हो सकता है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या नहीं हो सकता है, तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम 33 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर 16 है। ठीक है, इसका उसके बाद 34 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कौन सा प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर की बात हो रही है, गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? ध्यान दीजिएगा, मेल नहीं खाता है की बात हो रही है। पहला, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। बी, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, ये तो होता है दोस्तों, क्योंकि दैनिक जीवन के कार्य संबंधित तार्किक प्रणाली का विकास प्राथमिक स्तर में ये गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास जरूर होता है। सी, मानक परिकलन प्रणाली के संख्या संबंधी, मानक प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास जरूरी है, ये तो होता ही है। डी, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना, ये तो है सिलेबस में है, प्राथमिक स्तर पर करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करने निश्चित रूप से है दोस्तों। यहाँ ए आंसर इसका करेक्ट है, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये थोड़ा क्रिटिकल चीज़ है जो कि अपर मिडिल क्लास में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और अब देखते हैं हम 35 नंबर के क्वेश्चन। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय मतलब टारगेट की बात कीजिए, गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, इस बात को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। ठीक, और इसका है सी डी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ये ज़्यादा बेनिफैक्टर लग रहा है। डी, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। दोस्तों यहाँ सी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना गणितीय शिक्षण का सबसे मूलभूत टारगेट है, ये मेन टारगेट है। हालांकि इसके ये जो ए बी और डी जो हैं ये इसके अंदर में समाहित हो जाते हैं, प्रतिभाओं का विकास करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, अब हम 36 नंबर पे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ठीक है, स्थानिक समझ की योग्यता वृद्धि करने के लिए करेक्ट, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में। ठीक, परिकलन कौशलों के संवर्धन में, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। देखिए दोस्तों, 10 ग्राम बिंदु के खेल है ना, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता करते हैं स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। बाकी ये मूलभूत संक्रियाओं को समझने में इसका कोई यूज तो है, लेकिन ये मूलभूत संक्रियाओं को समझने के लिए और चीज़ का यूज ज़्यादा
बेहतर है। परिकलन का समर्थन में संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, इसमें सबसे ज़्यादा जो गहराई में समझने के स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने के लिए सबका यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अब हम 37 पे चलते हैं। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? पहला ज्ञान, दूसरा समझ बोध, तीसरा रचना सृजन और चौथा अनुप्रयोग। तो दोस्तों यहाँ रचना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है, ठीक है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जाता है? तो रचना करने का उद्देश्य सृजन भी करता है उसमें, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 38 में अब देखते हैं हम लोग। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियां को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। देखिए दोस्तों, प्रश्न लंबा जरूर है लेकिन एकदम ईजी है। प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से तो दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। मौखिक रूप से आंसर दे देता है जैसे, लेकिन उसको जैसे कि हम कहते हैं ना कि 4 रुपये का चना खरीदा, 2 रुपये का तेल खरीदा और वगैरह वगैरह करके उसको ऐड करके तुरंत बता देते हैं। लेकिन कोई बच्चा रहता है लेकिन जो लिखने में बहुत गलतियाँ करते हैं, बस ये उसी बेस्ड पर क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ए, वास्तविक जीवन में अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंध करना, उसकी तकनीक के बारे में पूछी जा रही है। बी, उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। देखिए दोस्तों, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर हम प्रैक्टिकल जब टीचिंग करते हैं तो ये सॉल्यूशन करने में तकनीक, उपचारात्मक तकनीक ये विधि है ना, तो बच्चों के लिए बहुत बेहतर होता है ये। इसका करेक्ट आंसर ही है सी दिया है। संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, ए सी और डी उतना उसके लिए लाभकारी नहीं होगा जितना कि बी होगा। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं 39 की ओर। 39 का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है मेरे पूरा पिछले वीडियोज में है, और 40 का इसको मैंने छोड़ा हुआ था क्योंकि वो वीडियोस लंबी हो जा रही थी, तो इसके लिए मैं एक और वीडियोस बना दूंगा इसके जो चीज़ बच जाएंगे उसके लिए। तो निश्चिंत रहिए, इसके लिए मैं एक उस हल करके बताऊंगा, क्योंकि ये अभी थ्योरेटिकल देख रहा हूं तो थ्योरेटिकल बताता हूं। 41, राष्ट्रीय पाठ्यचर्य रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का एक संकीर्ण उद्देश्य है। देखिए, संकीर्ण मतलब समझते हैं ना दोस्तों, इसे एक छोटा मतलब संकीर्ण उद्देश्य है ये। विद्यालयों में गणित शिक्षण एक संकीर्ण उद्देश्य है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार। ए, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बी, बीजगणित पढ़ाना, सी, परिकलन व मापन पढ़ाना, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। दोस्तों इसका ए, ये इसका संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बाकी ये जो है इसके पार्ट्स हैं ये, है ना। तो अब चलते हैं 42 पे। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा पेन कॉपी पकड़ना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए मैं इसको लिए अगली वीडियोज में बताऊंगा इसको। 43, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी सक्रियाओं को करने में सक्षम है, तथा भिन्नों के सब प्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। तो दोस्तों संक्रियात्मक अवस्था है, इस पर कोई डाउट नहीं है। अगर आपने संक्रियात्मक अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि जिस अवस्था में बच्चा सभी संख्या संबंधी सक्रियाओं को करने में सक्षम होता है वह संक्रियात्मक अवस्था होता है,
ठीक है। पियाजे की संक्रियात्मक अवस्था को आप जरूर स्टडी करिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसका एक करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं 44। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुड़ा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुड़ा के रूप में बताती है, तत्पश्चात गुणित से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आधी तिरछी रेखाओं तथा माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है, देखिए दोस्तों ये जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं उस समय के क्रियाकलाप का से क्वेश्चन बनाया गया है। तो अगर आप अच्छा से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पता चलेगा इसका उत्तर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कक्षा को आनंददायी कराने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण, ये तो नहीं है। मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। सी देखते हैं, विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना, उतना तर्कसंगत नहीं है सी। अब डी देखते हैं, गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना, ये हो सकता है बी और डी। लेकिन यहाँ अगर हम व्यापक रूप में इसका अगर हम देखें तो मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास है ना। ये तो कम सफल बच्चों के लिए, मतलब कमज़ोर बच्चों के लिए युक्तियाँ प्रदान जरूर है, लेकिन यहाँ एक संपूर्ण अगर हम देखें तो बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मूर्त से अमूर्त की ओर जा रही है। तो